Mela har fått sin dose med kavali-musikk i mange år. Og denne sufi-musikken, den krever jo at man er i et følelsesmessig modus. Men hva er det som er så spesielt med denne musikken? Sher Miadad Sab, kya aap hame batayenge ki kavali music jo hai, iski kaun si khubi hai? Kavali music ki sabse badi khubi ye hai ki isme sufia ka kalam hai arfana, jise hum kehte hain pakiza. तो ये क्योंकि सूफ़ी का पैगाम है तो उन्होंने एक पैगाम दिया है अमन का और भाईचारे का. तो इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जब मैसेज कन्वे होता है तो कई लोग जो जो इसको समझ लेते हैं तो फिर वो अमन की तरफ आते हैं, भाईचारे की तरफ आते हैं. और सेकंड इसमें खूबी ये है कि ये बुजुर्गान दीन से ये मुंसलिक है, क्योंकि ख्वाजा ख्वाजा गरीब नवाज़ हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शिकर रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत अमीर खसरो रहमतुल्लाह अलैह, उनके ये दौर से ये कवाली है. तो इसमें एक कहते हैं ना कि कहते जादू अंगेज़ है ये चीज़ कि जब ये पढ़ी जाती है तो ये असर रखती है. आप नॉर्वे कई दफ़ा आ चुके हैं जी, और इस दफ़ा आप आ रहे हैं एक बहुत बड़े हादसे के बाद जी. तो आपको कैसे लग रहा है इधर आना इस दफ़ा? पहले तो मैं मुझे ये बहुत दुख हुआ जब हमने ये सुना है कि ये सारा कुछ हुआ है. और फिर मैं हर किसी के दुख में शरीक भी होना चाहिए, पाकिस्तानियों को ये चीज़ क्रेडिट जाती है कि उनके क्रेडिट में जाती है कि उन्होंने ये शो का ऐलान किया और फेस्टिवल को एक दिन का किया है. और लेकिन चेंज तो लगेगी क्योंकि हादसा हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं. तो इसलिए चेंज मुझे लग रहा है लोगों में भी, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब कभी ऐसा नहीं होगा और इंशाल्लाह अमन होगा जी. तो इस वक्त तो नॉर्वे के लोग काफ़ी गम में हैं, लेकिन गम और मूसीकी का क्या रिश्ता है? गम और मूसीकी का ऐसे है कि जैसे हम दुख बांटने के लिए आए हैं. आप यही समझ लें कि हम म्यूज़िक के ज़रिए इनके दुख बांटेंगे. कोई बंदा बहुत सैडनेस है, गमगीन है या बैठा हुआ है, तो जब वो इस परफॉर्म देखेगा हमारी परफॉर्मेंस, तो आई श्योर के ये दुख बांटने वाली बात है. क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसा ये है, कहते हैं इसको सिनफ है, कि जिससे सुनने में इंसान को एक तकवीयत मिलती है, या अगर कवाली में हो तो वजदानियत होती है, कैफ होता है. अगर लाइट म्यूज़िक हो तो उसको एक रिलैक्सेशन जिसे आप कहते हैं वो मिलती है. तो हम पाकिस्तान से मिले और ये स्लिमी साहब ने ये जो फेस्टिवल का एक दिन रखा हुआ है, ये समझ, हम दुख बांटने के लिए इधर आए हैं. क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बिलीव करें कि बीमारियों के भी इलाज हो रहे हैं आजकल, कि जब भी कोई बीमार होता है तो हमारे तो पाकिस्तान में और तो ख़ास तौर पड़ोसी मुल्क में ऐसा हो चुका है कि लोग बीमार थे, उनको उन्होंने म्यूज़िक सुना, अच्छा कि किसी में अल्लाह की बात थी, किसी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात थी, किसी में आरफाना कलाम था, किसी में म्यूज़िक में इतनी मेलोडी होती है कि वो उसको सुनता उसको रिलैक्सेशन होती है, वो अच्छा फील करता है. तो इससे कई बीमारियाँ भी दूर होती हैं. तो हम उम्मीद रखते हैं फिर कि ऑडियंस की भी जो है बीमारियां दूर हो जाएंगी आपके म्यूजिक सुनकर, ये तो मैं उनका गम दूर हो जाए, बिल्कुल होना चाहिए. तो आपके साथ स्टेज पर इस दफ़ा नॉर्वेजियन म्यूजिशियंस हैं, लेकिन पब्लिक तो हमारी नॉर्वे में मिक्स है. सही. तो आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैंने इसमें टच ऐसा रखा है कि जिससे अगर नॉर्वेजियन इसको सुनेंगे तो उनको भी मज़ा आएगा. क्योंकि मेरे साथ वो जो ग्रुप में है, नील है, जय है, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, तो जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं या जो कम्युनिटी है वो सुनने के लिए आएंगे, उनको अपना एक सुरूर आएगा. तो इनको चाहिए कि जब ये एक मुल्क में रह रहे हैं, ठीक है, इनकी सोच भी ऐसी सेम ही होनी चाहिए और अपना मज़ा लेना चाहिए, हर म्यूज़िक का मज़ा लेना चाहिए. Som Sher Miadad sa, så har han da tilpasset sin opptreden i dag til det norske folk og det norske publikum. Og det gleder vi oss til.